लेमकेन, द एग्रो विजन कंपनी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं गांव सीवन जिला कैथल हरियाणा का रहने वाला हूं। मैं लगभग 30 साल से खेती में जुड़ा हुआ हूं। मेरी खुद की 15 एकड़ जमीन है और 85 किले मैं ठेके पर लेकर खेती कर रहा हूं, जिसमें यहां की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जीरी, गन्ना और सब्जी यहां की प्रमुख फसलें हैं। मेरे पिताजी कहते थे कि हम बैलों का हल रखते थे पहले, जो मिट्टी है वो पलट जाती थी, जिससे मैंने इनसे प्रभावित होकर के लेमकेन प्लो लाने की सोची। और दूसरा ये था, आजकल गवर्नमेंट कह रही है कि पराली में आग मत लगाओ, तो मैंने लेमकेन वाले अफसर से बात की तो कहने लगे कि ये पराली भी जो है रोटेट कर देगा, मिट्टी आपके ऊपर आ जाएगी, पराली नीचे चली जाएगी, इससे भी आपकी इल्ड में फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने वो लेमकेन का प्लो लिया है 2019 में, जिससे मेरे को बहुत बढ़िया से भी बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। जो मेरी गेहूँ 40,000 रुपये पर एकड़ निकलती है, मेरी 5 एकड़ गेहूँ बारिश के मौसम में खराब हो जाती थी, मेरे 2 लाख रुपए तो गेहूँ से ही बच गई, क्योंकि सब्सिडी मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, लाए तो इस वजह से थे। परंतु मेरे को पहले सीजन में मेरे आलू लगाए मैंने 10 किले, जो मेरा 240 कट्टे निकलते थे 450 कट्टे निकले मेरे। गन्ना मेरा 240 क्विंटल निकलता था, 400 क्विंटल भी निकल गया। धान उठाने के बाद सबसे पहले तो उसमें कटर मार के आग लगानी पड़ती थी, जिससे धुआं भी फैलता था, प्रदूषण भी फैलता था और लोगों में बीमारी भी अधिक मात्रा में फैलती थी। परंतु प्लो आने के बाद 85% पराली नीचे चली जाती है प्लो चलाने से, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। आलू की यील्ड 100 बैग से ऊपर का फर्क पड़ेगा उसको कम से कम। तो इससे समय की बचत हुई है, पैसे की बचत हुई है, तेल की बचत हुई है और मशीनरी की टूट फूट भी कम हुई है। 90% जो है घास खत्म हो गया है। घास खत्म हो गया तो 90% दवाइयों को खर्चा भी कम होगा, जो आप घास की दवाइयाँ करते हैं गेहूँ में। गेहूँ में 15% यील्ड आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी प्लो चलाने से आपको। मैंने आज तक 100 एकड़ में प्लो चला दिया है सर, मेरा आज तक तो कोई 1 रुपया खर्चा नहीं आया है और कंपनी की तरफ से मेरे को पूरी मदद मिल रही है। तेरे फोन करने की देर है, वो जहाँ भी होते हैं मेरे पास तुरंत पहुँच जाते हैं। मैं संतुष्ट हूँ उस मशीनरी से। मैं तो हर किसान को आग्रह करता हूँ जो 10 किले आलू लगाता है ना, कि एक बार प्लो अपने खेत में जरूर चलाएं। जो हमारे खेत में लेयर जम गई है ना, ये तोड़ना बहुत जरूरी है उत्पादन को अधिक लेने के लिए, दवाइयों पर कंट्रोल करने